नमस्कार, मैं नो त्रिपाठी। आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीसी विभाग से जुड़ी हुई चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि एक अच्छे और सच्चे और ईमानदार चौकीदार कैसे बने, यानी ग्राम प्रहरी कैसे बने। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आखिर चौकीदार या ग्राम प्रहरी अच्छे और बुरे लोगों में पहचान कैसे करें, आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा है कि आपका जो ये वेतन वृद्धि का मामला है, इसके अलावा राज कर्मचारी का दर्जा है, इन मामलों को संपूर्ण तरह से सफल कैसे करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा और सच्चा चौकीदार कैसे बने। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चौकीदार ब्रिटिश हुकूमत से लगातार चौकीदार का ये पद बनाया गया था। कहीं ना कहीं 70-72 साल हो गए, लेकिन लाल गमछा और धोती वाला रिवाज अभी तक सरकार ने नहीं ख़त्म किया है। हालांकि कई जगह पर चौकीदारों को वर्दी भी मिल गई है, लेकिन कई जगह पर वर्दी नहीं मिली है। तो चलिए मैं आज आपसे बात कर लेता हूँ कि एक अच्छा चौकीदार और एक अच्छा ग्राम प्रहरी कैसे बनना है। वो जो ट्रिक हम बता रहे हैं, आप अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपको 100 ही नहीं बल्कि 110% आपको लाभ मिल सकता है। लाभ इसमें आपको ये मिल सकता है कि जो आपके साथ शोषण होता है वो बंद हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो आपके साथ ज्यादा की जाती है तो वो चीज़ें बंद हो सकती हैं। और बात आती है वेतन वृद्धि की, तो वो भी बढ़ सकती है अगर आप अपने अंदर कुछ सुधार करेंगे। प्यारे मित्रों, सबसे पहला काम, अगर सरकार आपको वर्दी मुहैया करा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करा रही है तो सबसे पहले आप वर्दी में आना सीखिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप ब्लैक कलर के जूते भी पहन सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर हम काले जूते कोई भी हम हो या आप पहन सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी ड्यूटी चौकीदार का जो नियम है, यानी अगर मैं बता दूँ कानून का जो एक नियम कहता है कि चौकीदार ग्राम प्रहरी की ड्यूटी 15 दिन में एक बार होती है, महीने में दो बार होती है, तो कहीं ना कहीं थाने पर जो भी डीसी विभाग के लोग हैं वो एक साथ एकजुटता के साथ 15 दिन में एक ही ड्यूटी करना स्टार्ट करें। हाँ, अगर किसी इमरजेंसी सेवा के लिए सरकार का कोई ऐसा काम आता है या कोई उच्च अधिकारी है, अगर वो कहता है तो एक आध ड्यूटी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन जबरन आपसे ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। आपको 15 दिन में एक ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करनी है, गांव की सही और असली सूचना देनी है, किसी भी तरह से आपको अपराध को बढ़ावा नहीं देना है। अगर आप गांव की सही तरीके से सूचना देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान थाने पर बढ़ सकता है। नंबर दूसरी बात आप करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी हैं और चौकीदार का नाम ओपन कर देते हैं, जिससे आपकी कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाती है। तो इसके लिए अगर ऐसी कोई आपको दिक्कत आती है तो इसके लिए वॉइस किंग चैनल आपके सदैव साथ है। ऐसी समस्याओं का समाधान करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम जरूर आपको इंसाफ दिला पाएंगे, लेकिन आप अच्छे और सच्चे आप एक ग्राम प्रहरी बनिए। ड्यूटी के समय कभी भी ड्रिंक का उपयोग ना करें, किसी भी तरह से स्वार्थ और लालच लेकर काम ना करें, ईमानदारी से गाँव की सूचना आप जरूर पहुँचाते रहें ताकि पुलिस को मदद पूरी मिलती रहे। आप इस तरीके से अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे और सच्चे चौकीदार बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो अधिकारीगण हैं या आपके ऊपर जो भी हैं सीनियर हैं, उनका रिस्पेक्ट जरूर करें। अगर कोई सीनियर आपको गाली देता है तो इस कंडीशन में उसके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, जो कि आपके पास पूरा राइट है। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो समस्या का समाधान करने के लिए वॉइस किंग चैनल आपका सदैव साथ देने वाला है। आपको बता दूं कि जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका सम्मान बरकरार रहेगा, आपसे किसी भी तरह से कोई फर्जी काम नहीं कराए जाएंगे अगर आप इस तरीके के काम करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूं कि आखिर अच्छे और बुरे चौकीदारों को पहचाने कैसे। तो मित्रों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो अच्छे और सच्चे ग्राम प्रहरी होंगे, पहली बात तो वो ईमानदारी से ड्यूटी करते होंगे, दूसरी चीज़ कभी भी किसी का वो बुरा नहीं सोचे होंगे और कभी भी किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कहीं ना कहीं किसी के दिल पर ठेस पहुँचे। दूसरी चीज़, वो जातिवाद नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, मेहनत पे भरोसा करेंगे। चौथी चीज़, लालच उनके अंदर होगा नहीं। और पांचवी चीज़, हमेशा अपने विभाग के प्रति वो रात दिन सोचते हैं और वेतन वृद्धि के लिए रात दिन परेशान रहते हैं, रातों में नींद उड़ जाती है। ये एक सच्चे और अच्छे ग्राम प्रहरी की पहचान है।
और मैं बुरे आदमी की बात करता हूँ, बुरा ग्राम प्रहरी आखिर कौन हो सकता है? बुरा ग्राम प्रहरी वो हो सकता है जो सदैव हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, हमेशा मजे लेता है, घर में बैठ के बोलता है कि अगर सबका बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा, और प्लस राजनीति करने के लिए रोड पर उतर आते हैं। अगर कोई राजनीति होती है या कोई संगठन होता है तो उनके तलवे चाटने में लग जाते हैं। ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो ज़रूर आप समझना कि कहीं ना कहीं वो बीसी विभाग का बुरा ही करते नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर आपका ये जो वेतन वाला मुद्दा है और राजकर्मचारी का दर्जा है, ये कैसे इसी तरीके से इस मामले का समाधान हो सकता है। इसका समाधान हो सकता है, योगी दरबार लखनऊ में स्टार्ट हो चुका है, राजद्वार को लगता है। आपको बता दूं कि आप लोग वहाँ पहुँच करके अपनी अर्जी लगा सकते हो, योगी जी की जैसे नज़र पड़ेगी आपकी पगड़ी पर, तो उम्मीद करते हैं कि योगी जी ज़रूर आप पर रहम खाकर कुछ ना कुछ आपकी झोली में ज़रूर डाल देंगे, ऐसा मैं बिना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से चौकीदारों में जो नेतागिरी कर रहे हैं उन्हें ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ राजनीति टटुओं के लिए जाएंगे, फोटो खिंचाकर वापस आएंगे। यहाँ पर जो हमारे आम चौकीदार हैं वो भाई जरूर जाएं, उनकी पीड़ा का समाधान जरूर हो जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं उसका भी बयान वहाँ पर लिख करके आप दे सकते हैं, जो सोशल मीडिया आपके साथ होता है, गलत होता है, इस सारी चीज़ों का समाधान होगा। आज की तमाम खबरें कैसे लगी और मैंने जो बातें आपसे बताई हैं, जो भी हमने बातें की आपको कैसी लग रही है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।